ना पहली बार ना मुझे ऐसे कुछ ये महीने हैं ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपनी स्किन को लेकर। अब पर्सनली यार मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना जिसने कभी भी अपनी बियर्ड का, बालों का या फिर स्किन केयर इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ। नॉर्मल जो फेस वॉश वगैरह लगाते हैं वही हमेशा यूज़ करता आया था। और सच में बोलूँ मुझे बहुत बार ना ये चीज़ सुनने को मिली हुई है कि भैया आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप क्या प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हो। तो नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा वगैरह नहीं है। इवन तो कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है कि वो एलोवेरा जेल कभी कभी रात को सोते वक्त यूज़ करते हैं, मैंने कभी वो भी नहीं लगाई इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा रहा हुआ है, लेकिन यार ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी स्किन पे ना ये छोटे छोटे ना पिंपल्स होने लगे हैं फोरहेड पे। अभी तुम्हें शायद से नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि धूप पड़ रही है, लेकिन वो मुझे पता है। और ये इस वजह से हुए हैं क्योंकि मेरा जो लाइफ स्टाइल जो खाने को लेकर है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। कल रात को ना हम चाप खा रहे थे मुलाना में, तो मैं और अवंतिक बात कर रहे थे कि यार हमारा ना मतलब जो जीभ होती है ना, यानी कि जो टंग है, वो इतनी चटोरी हो गई है ना, मतलब हमें बस खाना खाना है अच्छा और हमें कुछ नहीं चाहिए। और इसके साइड इफेक्ट्स ना मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मेरी स्किन पे। लेकिन यार अभी अक्टूबर का महीना है, 10 दिन रह गए हैं पूरे घर जाने को। घर जाने के बाद 10 दिन जाकर मैं अच्छे तरीके से यार घर का खाना खाऊंगा, या तो मैं बीमार होऊंगा क्योंकि मैं मटन चिकन वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें खाऊंगा उन 10 दिनों में, या तो मैं बीमार होऊंगा या तो मैं मोटा होकर आऊँगा, ठीक है। लेकिन नवंबर से यार मेरी बॉडी के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम वर्कआउट वगैरह करना शुरू करेंगे। और जैसे कि यार मैं अपने लाइफ को रिकॉर्ड करता हूँ, मैं उन जिम सेशंस को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँगा अवंतिक औरों के साथ, और उसके बाद वी आर गोना लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल। डेली बेसिस पे यार मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं जंक फूड ना खाऊं, लेकिन क्या करूँ यार, अब मैस का खाना तुम्हें पता ही है, कितनी बार तुम्हें बताऊँ कि मैस का खाना कितना ज़्यादा अच्छा है। तो यार आज है मंडे, तो ना आज के दिन पूरे दिन क्लासेज हैं, मतलब ज़्यादा ब्रेक्स वगैरह नहीं है। और यार अगर तुम मेरी डेली व्यूअर हो ना और अगर तुम मुझे बहुत पहले से देख रहे हो तो तुम्हें याद होगा कि पिछले सेमेस्टर में मैं क्लासेस वगैरह नहीं जाया करता था, उतनी ज़्यादा मतलब क्लासेस नहीं जाया करता था, क्योंकि कोविड के बाद, कोविड को 2 साल हो गए हैं, राइट, लेकिन कोविड के बाद ऐसी गंदी हैबिट बन गई थी ना क्लास ना जाने की। और इस सेमेस्टर में यार मैं मेजॉरिटली क्लासेस लगा रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि ये नहीं है कि मेरा मन है या फिर मेरा मतलब सुबह दिल कर जाता है सुबह उठने का, पहली क्लास लगाने का। लेकिन यार इस बार ना कुछ बोल रहे हैं कि अटेंडेंस का इशू ज़रूर होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी होगा ना तो टीचर्स इतना ज़्यादा डरा देते हैं ना कि अटेंडेंस का इशू होगा, अटेंडेंस का इशू होगा। और यार फाइनल ईयर में आके अगर कुछ बकचोदी होगी ना कि जैसे अटेंडेंस शॉर्ट वगैरह पड़ गई, तो यार क्या फ़ायदा। और अब जहाँ तक बोला गया हुआ है कि आज जैसे आज डेट क्या है, 10 अक्टूबर है अब, राइट, तो 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक मेरे पास टाइम है क्लासेस लगाने का। उसके बाद मैं 10 दिनों के लिए घर चला जाऊंगा, और उसके बाद 12 नवंबर तक हमारी क्लासेस होंगी, और उसके बाद हमारे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह शुरू हो रहे होंगे 7 सेमेस्टर के। तो यार ये जो थोड़ा सा टाइम है लगा लेते हैं क्लासेस क्या जाता है। और वैसे भी फाइनल ईयर है यार, इसके बाद तो क्लासेस वगैरह लगाने का कहाँ मौका मिलेगा अगर फर्दर स्टडीज़ की तो देखते हैं। मेरे को ना आज तक समझ नहीं आया यार कि मैं ना ये अपना बैग लेके क्यों जाता हूँ। मेरे इस बैग में ना एक कॉपी होती है सिर्फ, इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं बैग नहीं लेके जाऊँगा, कॉपी अपने हाथ में ही पकड़ लूँगा, क्योंकि कौन बाहर उठाए यार इसका। यार अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैग ले ही जाता हूँ। यार इसके पीछे रीज़न पता है क्या? मेरा ना एक लेक्चर है सेकंड वाला, ठीक है, वो ना न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और उसके लिए ना हमें वो लेनी पड़ती है, बुक लेनी पड़ती है, वो इतनी मोटी बुक है। अब यार लाइब्रेरी से मैंने इशू करवाई हुई है, अब वो बुक करुण ले गया हुआ है। क्यों? क्योंकि ना A2 में मैं हूँ और A1 सेक्शन में करुण है, ठीक है। अब क्या सीन है कि मेरा एक ट्यूट होता है उस, वो A2 वालों का ही होता है सिर्फ, ठीक है। अब करुण को मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ सुबह से कि भाई उन्होंने तो मैच जाना नहीं, लेट जाना है उन्होंने, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, ना आयुष फ़ोन उठा रहा है ना करुण फ़ोन उठा रहा है। अब मैं कैसे जाऊँ उनके रूम पे, क्योंकि 3rd फ्लोर पे उनका कमरा है। अब मैं पहले उनके रूम में जाऊँ बुक लेने के लिए या फिर मैं मैच जाऊँ? यार इतने मेरे चूतिया बंदे लगते हैं ना जो फ़ोन नहीं उठाते हैं कसम से। तो अवेलेबल भी है। करुण भाई हमारी क्लास कितने बजे थी? 8:50 तो हम जा रहे कितने बजे? 9:20 कितने मिनट लेट है? जस्ट 30 मिनट्स लेट। और हमें कोई शर्म अभी भी नहीं है, क्यों? कि हम हैं इंजीनियर्स। शर्म नहीं आ रही तेरे को? किस मुँह से? और मेरी तो क्लास भी नहीं है, मैं तो A1 में जा रहा हूँ, मैं A2 को हूँ। सर अब क्या बोलते हैं? देखते हैं सर क्या बोलते हैं। तो बाहर का रास्ता याद ही है हमें। मैं ना कैमरा ऐसा ऑन करके रखूँगा। भाई हमारे नाराज हो गए हैं कल से हमसे। हाँ मेरे को बता नहीं रहे हैं कि क्यों नाराज है, लेकिन नाराज है भाई का आईफोन। चट्टी मुंडा डर जा, अब देख जाट भागेगा। बुक दे दे फिर बोल। हाँ एक बुक देने देना, दिखा दे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही
पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। तो यार अभी का सीन ये है कि ना मेरे दो लेक्चर्स मैं लगा के आया हूँ और अभी का जो तीसरा मेरा लेक्चर है तो वो है पर्सनल डेवलपमेंट का। तो पर्सनल डेवलपमेंट तो मेरा पता ही है कि कैसा हुआ है, मैंने 3 साल में क्लासेस नहीं लगाई तो अब कहाँ लगाऊंगा पर्सनल डेवलपमेंट की। तो इसके बाद एक और लेक्चर है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, इतना ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन अभी आके मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को एक वीडियो एडिट करना है, वो वीडियो एडिटिंग में थोड़ा काम करेंगे, अगर मन रहा तो नेक्स्ट लेक्चर लगाने जाएंगे, नहीं तो सीधा फिर लंच करने जाएंगे और उसके बाद वाली क्लासेस लगाएंगे। तो यार अभी टाइम हो रहा है 12:40 और मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्यों, क्योंकि 1:45 में मेरा एक लेक्चर है और उसके बाद 2 घंटे का प्रोजेक्ट है जिसको मेरे को लगाना है। तो जो पिछला वाला लेक्चर था तो वो मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद लगी हुई थी, मैं एडिटिंग कर रहा था तो बस लास्ट के कम से कम कोई 3-4 मिनट का एडिट रहा हुआ था और मेरे को नींद आ गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नींद थी मेरे को, इतनी ज़्यादा नींद लगी हुई थी कि पंखा ना अभी जैसे लो स्पीड पे चल रहा है, राइट, तो मैं अपने बेड से उठकर मैं उस वाले पॉइंट तक नहीं गया स्विच को टर्न ऑन करने के लिए ताकि पंखे की स्पीड तेज़ हो जाए, और टेबल फैन को लगा के सोया। और अब जो मौसम है ना वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है जिसकी वजह से उस पंखे से भी ठंड लग रही थी। तो यार अभी जाते हैं यार मेस में और खाना खाते हैं। इस वाले कुक का कुछ काम है नहीं तो उसको रख देंगे। गाइस देखो एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर था मेरा और 20 मार्क्स आए मेरे सबसे ज्यादा। घर में तेरे कितने आए? 12 पास हो गया भैया। 20 आयुष भाई आपके? मैं पास हो गया भाई। 4 मार्क्स आए हैं मैंने सुना आपके। आपके पास कितने? 15 15 mama and you 0 6 6 6 okay okay my friends are snake yaar huh my friends are snake why Yo. why they said they won't ride anything all and look look here then also why you rode? And why you rode I rode only first sheep oh. okay it's not our mistake that you which what who is mistake which snake is bigger this one or this one he is already a big this snake. black mama no He is black mamba. He is now becoming snake. Huh? He is now becoming. He is black mamba. He is black mamba. Black mamba. Sartak bhai, how are you? He is mama. भाई बोल रहे हैं गर्वित भाई कि वो सीढ़ी मंगा लूँ फोल्डेबल पीछे के ऊपर जाले साफ करूँगा कमरे। भाई इसके फोन से फ्लिपकार्ट अनइंस्टॉल करवा दो भाई। आप क्या चाहते हो? इसके फोन से फ्लिपकार्ट अनइंस्टॉल कर दो भाई। बोल रहा सीडी मंगा लेता हूँ जाले साफ करो भाई। लगा हुआ है ऑर्डर करने, लगा हुआ है, इतना पैसा हो ना। बोलते हैं आईफोन 14 की जगह, अभी आईफोन 14 आया 15 आया 14 बोलते हैं आईफोन 14 की जगह सैमसंग का एक फोन है कोई फ्लिप वाला वो मंगा लेता हूँ। बोलते हैं विच ऑप्शन इज बेटर, मैंने कहा दोनों ले ले। करुण भाई आयुष भाई क्यों सैड है? घर पे फोन चला गया। रहा है सबके जीरो। झूठ क्या बोल रहा है गर्वित, सारे पास है उसने। गर्वित मेरे नहीं है यार, मैं 20 मार्क्स लेके पास हुआ हूँ यार। आंटी झूठ बोलता है सारा, मैं पास हो गया हूँ। भाग रहा क्यों है? गाइस हमारे घर पे ना फोन जा रहे हैं, हमारे सेशंस के मार्क्स जा रहे नहीं है गाइस, हमारे घर पे चले गए मेरे और करुण के, सक्षम के घर पे रह गए। अरे मेरी तो जॉब लगने वाली है, मेरे को जॉब लगने वाली है, बेशक घर में फोन जाए ना फिर उसके बाद जो घर वालों का प्रकोप होता ना वो थोड़ा दिव्य दृष्टि ज्यादा जोर से पड़ती है। आप क्यों उदास हो क्योंकि आपके घर पे फोन किया? नहीं मैं उदास इसलिए कि घर वालों ने मेरे को फोन करना। कोई ऊपर से गंद लेके जा रहा था रेस्टोरेंट में से नीचे, ये देखो ये गंद पड़ा हुआ है। गर्वित भाई बोलते हैं मेरे को दिवाली वाली वाइब आ रही है। अभी हमको ग्रेट लैब में आ चुके हैं यार, यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो सर? तो यार जैसे कि आप देख सकते हो स्विमिंग पूल है यहाँ पर, यहाँ से पानी वगैरह निकालते हैं और वहाँ पर काम वगैरह हो रहा है, जो मेहनती बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, और जो सुपर इंटेलिजेंट है वो यहाँ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हाय प्रेरणा। चुनरी 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 सर जी, चुनरी चुनरी यार अटेंडेंस ही नहीं दे रहे हैं यार, कब से बैठे हुए हैं अटेंडेंस ही नहीं दे रहे हैं। सर अटेंडेंस मिल जाती तो अच्छा रहता, मैं चला जाता रूम पे। भाई ये नेट है क्या है यार, ये इसको नेट को क्या है? पिछले आधे घंटे से मैंने लगा के रखा हुआ है, 5% हो रहा है यार, ये कौन सा 5G का जमाना आया है इधर। देखो अभी मैं बाहर आया था अपलोड करने के लिए, अभी भी ये अपलोड नहीं हुआ। देखो सब फिर मेरे को बोलते हैं कि भैया व्लॉग क्यों लेट आ रहे हैं, व्लॉग तुम्हारा भैया बना देता है लेकिन ये नेट मेरे को जीने नहीं देता है।
मैं क्या, अब हम जाएंगे चुपचाप बाहर करके घूमने के लिए जाएंगे, 3-4 घंटे अपने आप बकचोदी करेंगे और उसके बाद आके इसको अपलोड करेंगे। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम है लेकिन कहाँ से बंदा कोई अपलोड करे। तो गाइस हम पिछले ना कुछ दिनों से चूर चूर नान वाली एक दुकान है यहाँ पर, हम तीन बार आ चुके हैं उस तेरा ही मौजू बन रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम 3 बार आ चुके हैं उस चूर चूर वाली नान वाली दुकान पे, लेकिन वो दुकान बंद रहती है। अब आज फिर से देखने के लिए जा रहे हैं। कहाँ है मुझे नहीं दिख रहा, कहाँ है हमें तो नहीं दिख रहा है चूर चूर नान का। चूर चूर कहाँ हो तुम, अब अब तो तुम भी आ गए, चूर चूर नान तुम कब आओगे, क्या दर्द है मेरी आवाज में। चूर चूर नान तुम कहाँ हो, मैं तो नहीं दिख रहा, आज दिख रहा मुझे, आज तो मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा, आज भी बंद है, फको और आज भी बंद है, फक यार इसको बोल पहन चो रहने दे, बिजनेस ही कर, तू घर में बैठ जा। करुण भाई अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, किधर हो, आखिर भाई यूँ आज नहान मिल लीजिए आपको, चल चले उधरे भाई, आज चूर चूर हो चाहे। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, मुझे तलब उठती है भाई, मुझे भूख तो पहले पूछ लो, मेरी जीप चटोरी है, नान होंगे, यस, ओ मुझे अब सुकून मिल रहा, मुझे इनर पीस हो रही है और गजब गजब। ये देख सकते हो सामने यार कि ये है नान वाली दुकान मुलाना में, यहाँ पर हम खाट के ऊपर बैठे हुए हैं। बोल रहे क्या हुए अवंती भाई, लेकिन ऐसी बात है, हमने अपनी चाहे जो बात है कॉलेज लाइफ हमने अपनी इंटरेस्टिंग बना दी है, बना दिया भाई, हमने इतने एफर्ट्स दिए हैं स्नान खाने के लिए, इतने एफर्ट्स दिए हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब पानी टेस्ट करके टेस्टी होगा तो फिर मैं पीऊंगा भाई, ओशन नहीं मिल रहा, भाई ओशन नहीं मिल रहा इधर भाई, ये बंदे वो हैं जो इवोकस का पानी पीते हैं, अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन वाटर, ग्लो तो दिख रहा है भाई के मसल्स पे और क्या कहते हैं भाई के चेहरे पे, पानी पीने से मसल बढ़ती है, साइज ग्रो तो हुआ है भाई का, चेहरे में ग्रो आया है। गर्वित का अकाउंट अगर चेक कर ले इसका बाप, कि मतलब कितना पैसा खर्च रहा है, देखो वो तो छोड़ो, वो तो वो पर्सनल मैटर है, हाँ। अब जो बंदे ओशन पी रहे हैं सर, ग्लो ऐसे आ रहा है, जो बिने सारे नाला का पानी पे, जो नाला सुबह ही चल रहा है, और बोल ले, और बोल ले, मैं अब ऑफ कैमरा, मैं नहीं आऊंगा मेरा, और गाइस मैं आपको अगर जिसको करियर रिकॉर्ड जिसको अगर नहीं पता, तो मेरा और अवंती का ना गठबंधन हमने कर लिया हुआ है, अब आज से हम एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे, ये स्पीच है, ये ऐसे देखते कितना देर कायम रहता है, कब तक सरकार चलती है हमारी। गाइस वो देखो हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई है, पोलो अपने अपने पलंग पे भाई जगह ले लो, अपने अपने शूज खोल लो, तो घर में आए हुए मेरे को जनी जगह भाई, वो 1500 वाली है, हाँ ना अवनीत, हाँ भाई, हाउ आर यू, हेलो गाइस, और भाई हाउ आर यू, मिल गया भाई, आया खाना आज, करवे भाई की प्लेट आ रही है, आधे बंदे इधर बैठे हुए हैं, हैं एक से खा लेंगे, आधे बंदे अंदर बैठे हुए हैं, हाँ भाई प्यार तो बड़ा है, पेट लेकिन भरेगा नहीं, एक और नान इधर ही डलवा देंगे, हाँ। तो जो फ्लेवर था ना वो पहले नान में आया है ना, नान सब्जी में, सब्जी में कुछ फ्लेवर नहीं आया, सेकंड वाले में ना मेरा वो वाला फ्लेवर भी चला गया, सब्जी में खत्म हो गया था ना, सब्जी का ये नान पैक करा गया, इन लोग चल ये ये बात जान नहीं करता है, ये नान पैक करा दिया जी, सिर्फ नान नान सब्जी आई ब्लॉक, ना ना रोटी भी और सब्जी भी आई ब्लॉक, नान अच्छी है मैंने बोला था नहीं खाएगा पूरे एग्स अंडे नहीं खाया भाई, 500 देखो यार सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन मूड खराब हो गया, क्यों, क्योंकि निशांत भाई के पैसे गुम हो गए थोड़े से, ये इतना अच्छा मूड बन रहा होता है ना फिर सब कुछ खराब हो जाता है, एक दोस्त का मूड खराब हो जाए तो सबका मूड खराब हो जाता है, इसलिए हम जा रहे पार्किंग पैसे रूम में, हाँ लेट्स गो, पार्किंग भी हो सकते हैं क्या, हाँ पार्किंग भी उसने निकाले थे, हाँ ये सुबह से ना कम से ये दो शाम से ना कम से कम कोई 300 बंदे ने फोटो 300 बंदे ने मैं ये देख लिया होगा, मैंने जो ऐसे खड़े हुए हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, करुण थाती मेरी स्टेक दिखाई है, ये पाइन के पेड़ ना हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम ताकि लोगों को बता सके कि हम महंगी यूनिवर्सिटी, हम महंगी गोवा में आए हैं, हम गोवा में पढ़ते हैं, महंगी गोवा। गर्वित भाई को मैंने ये बोला कि ये टेस्ट करो, गर्वित भाई एक ऐसे इंसान है करुण भाई जिन्होंने अपने रूम में वो कितने का 500 का है कितने का वो एयर फ्रेशनर वाला जो ऑटोमेटिकली हवा छोड़ता है, 1000 रुपए का, और उसके लिए रिफिल आज मंगाई और 15 रुपए की अगरबत्ती ले, ये छोड़ इसने कल ये इधर से लिया था एक और रिफिल, ये वाला नहीं बड़ा वाला वो, हाँ तूने वो भी तो कर लिया था, तो इसको पागल हो गया क्या भाई, सिर्फ खुशबू कर रहा है, खुशबू पे बहन जो 10,000 दे रहा है, वेंटिलेशन नहीं है ना तो थोड़ी इसको पकड़ा उमस के कारण, अब जी उमस की भाई वो जो तूने वो जो